भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बनके आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। सभी भाई बहन वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो जरूर देख करके जाना। जो भी भाई बहन चैनल से ना जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी अपनी आल पर दबा लें। दोस्तों यहां पर देख सकते हो एक बहुत ही बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर महीने का जो मानदेय है वो भी आप सबका खातों में लग गया। कल 31 अक्टूबर था और अक्टूबर महीना कल ही खत्म हुआ है और 31 तारीख को मैंने कहा था देख लेना 31 को ही पैसा लग जाएगा, क्योंकि सरकार ने ऑर्डर किया था कि 1 नवंबर तक सभी के खातों में अक्टूबर का भी मानदेय पहुंच जाना चाहिए, वेतन पहुंच जाना चाहिए, सब कुछ पहुंच जाना चाहिए। लेकिन यहां पर वो पहुंच तो गया, अब वो सक्सेस नहीं हुआ है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब पैसा अगर सक्सेस ही ना हो, खातों में चाहे 10 महीने का एक्स्ट्रा लगा हो और वो एक साल तक सक्सेस ही ना हो, तो ऐसे पैसे का फायदा ही क्या है। तो यहां पर आपको बता दें, आप देख सकते हो ये रहा टोटल पैसा, जिसमें ये आपको ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं अंडर प्रोसेसिंग में, ये है आपके सितंबर महीने के पैसे, जो कि 4500 रुपया जो केंद्र सरकार देती है वो वाला अभी सक्सेस नहीं हुआ और इसीलिए वो अंडर प्रोसेसिंग में लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये रहा आपका जो सक्सेस लिखा हुआ है, ये 1000 रुपया 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में सक्सेस हो गए थे, 1000 रुपया राज्य सरकार का। ठीक, अब नीचे आप देख रहे हो जो ये ICDS यूपी वगैरह, ये अंडर प्रोसेसिंग में केंद्र सरकार का और ये राज्य सरकार का, ऐसे पैसे ये देखो यहां पर और अक्टूबर महीने के भी लग गए हैं। इस मैटर को यहां पर भेजा था, हमारी बहन आती है एक, आपको बताते हैं फतेहपुर से, जिनका नाम है नफीसा खान, और उन्होंने भी ये मैसेज किया कि अक्टूबर महीने का पैसा लग गया। आप सब भी जो वीडियो देख रहे हैं अपना अपना चेक कर लेना, आप सबका भी अक्टूबर माह का पैसा आपके खातों में अंडर प्रोसेसिंग में लग चुका होगा। और हां, वो सक्सेस उम्मीद बना करके रखना कि आज या कल में सक्सेस हो जाए, अक्टूबर वाला तो कम से कम हो ही जाए, सितंबर का पता नहीं क्यों खराबी है, क्या है जो वहां पर अभी भी लटके पड़े हैं और वो पैसे आज तक नहीं आए। लगभग 20 दिन हो गया है अंडर प्रोसेसिंग में वो पैसा पड़े हुए और पैसा सक्सेस नहीं हुआ। यहां पर एक फूलमती बहन है रायबरेली से, उन्होंने भी मैसेज कर दिया था सुबह सुबह, उनका भी कहना है फूलमती बहन का भी कि भैया जी गुड मॉर्निंग, मैं फूलमती जो है यहां पर बेला खरा ऐसे कुछ लिखा हुआ है राही रायबरेली से है, और देखिए मेरा सितंबर माह का तो पैसा सक्सेस नहीं हुआ और अक्टूबर का भी आ गया है अंडर प्रोसेसिंग में। तो ये देखिएगा, सितंबर का सक्सेस नहीं हुआ है, ये तो एक बड़े दुख की बात है, क्योंकि पैसा अक्टूबर का गवर्नमेंट ने दे तो दिया है, अब पता नहीं ये कब तक सक्सेस होगा, क्योंकि आज 1 नवंबर है, मान लो आज ये सक्सेस ना हुआ, कल 2 नवंबर है, कल भी अगर ये सक्सेस ना हुआ फिर 3 नवंबर आ जाएगा और फिर आ जाएगा 4 नवंबर। 4 को तो हमारी दिवाली ही है, 2 तारीख को धनतेरस है, लोग बाग जो है थोड़ा बहुत जो खरीदते हैं वो धनतेरस वाले दिन ज्यादातर जो है बिक्री वाला सब सिस्टम होता है, लोग कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं, तो उनका ये सब जो है नहीं खरीद पाएंगे अगर पैसा उनका आज नहीं आया तो आज 1 तारीख है, उम्मीद बना करके रखिएगा कि पैसा सक्सेस हो जाए, और वरना कल शायद उम्मीद है कि पैसा आपका सक्सेस हो जाना चाहिए, सितंबर का नहीं कह सकते लेकिन अक्टूबर का मुझे उम्मीद लगती है कि कल तक सक्सेस हो जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि विभाग वाले और बैंक वाले वो क्या करते हैं, वो सरकार का ये जो डिजिटल इंडिया है ये क्या गुल खिलाता है कि दिवाली पर बहनें जो है खाली हाथ रह जाएंगी या उनके हाथों पर ये पैसा जाएगा। अगर बहनें खाली हाथ रह जाएंगी दिवाली में तो ये जो है भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया के जो सपने देखे जा रहे हैं वो यहां पर एक तरह से बहुत ही खराब तरह से दिखाई देंगे, क्योंकि ये छोटा सा काम भी अगर गवर्नमेंट नहीं करवा पा रही है, सरकार के हाथों में ये नहीं है कि वो पैसा इतने इतने दिनों तक जो अंडर प्रोसेसिंग में पड़ा रहता है सक्सेस नहीं होता है तो फिर यहां पर दिक्कत वाली बात है, बहने अपना त्योहार भी नहीं मना पाएंगी और ये सरकार के लिए बड़े शर्म की बात होगी। तो हम यही चाहते हैं अपनी सरकार से, विभाग से और बैंक वालों से, जो जिनकी अब जिम्मेदारी बची है बैंक में पैसे जाने के बाद वो क्लियर क्यों नहीं होते हैं, क्या विभाग से कुछ अनुमति या कुछ भी रह जाना होता या मिलान करना होता, जो भी XYZ मैटर, तो वो हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता है, काफी पैसे दूर दूर से आते हैं तब भी वो पैसे बहुत जल्दी सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन ये हमारी सरकार जो मानदेय स्वरूप देती है ये पैसे महीनों महीने पड़े रहते हैं और ये क्लियर होते ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें विभाग वाला कुछ लोचा चलता होगा, उनकी अनुमति या फिर जो है मिलान विलान जो भी है सिस्टम, तो उसको वो लोग करें, अपनी लापरवाही को कम से कम दूसरों का त्यौहार खराब करने पर ना थोपें। बात करते हैं, पूनम बहन बहराइच से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से ये कुछ फोटो भेजी है, इसमें आप देख सकते हो बहुत सारा सामान है और बहन ने कुछ कागज पर लिख करके भी भेजा है। पहले सामान में देख लेते हैं क्या क्या मोटे आंखों से हम लोगों को दिखाई देता है बिना चश्मे के। देख सकते हो यहां पर ये चना रखा हुआ, ये मूंगफली रखी हुई है,
और ये सोया बड़ी रखी हुई है यानी सोयाबीन, साथ ही साथ ये गुड़ वगैरह है, और इसके अलावा यहाँ पर इसका दलिया है, यहाँ पर ये राजमा है, और इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और इसमें शायद ऑयल वगैरह होगा, मस्टर्ड वाला होगा, या इधर ये बेसन वेसन मुझे दिख रहा है, शायद इधर शायद छुहारा वगैरह लग रहा है, जो भी है इसमें साफ नहीं झलक रहा है, या किसमिस हो जो भी है। तो आपको बताते हैं बहन ने लिख करके क्या भेजा, ये सब मिल रहा है और किसको मिल रहा है वो भी आप सबको हमको जो है जान लेना चाहिए। बहन ने लिखा है कि मैं पूनम सिंह बहराइच से हूँ, भैया जी आज मेरे यहाँ कुपोषित और अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनको काफी सामान वितरित हुआ है, देसी घी है, राजमा है, गुड़ चना है, और मुरब्बा वाला आंवला का जो है वो भी है, बेसन वाली दलिया है, ये सब उन्होंने कहा, बेसन भी है, दलिया भी है, कामा वामा नहीं लगाए तो पता ही नहीं चलता है कौन सा वाक्य उनका किस में जुड़ रहा है, और काफी सामान उनका कहना कि वितरित हुआ है। तो इस तरह से वो चाहती हैं कि वो और वीडियो डेली देखती हैं तो चैनल पर दिखाया जाए, तो बिल्कुल दिखाया गया। इनके अलावा बात करते हैं यहां पर जया देवी बहन कुशीनगर से आती है, उनकी बेटी को सम्मानित किया गया है, आप देख सकते हो। बाकी चलते हैं आगे, और ये देखिएगा कल्पना देवी बहन प्रयागराज से आती हैं, सरकार ने बढ़ाई है केंद्रीय जो है गैर सरकारी कर्मियों की मजदूरी, तो यहां पर आप देख सकते हो ये रहा न्यूनतम 377 रुपया और अधिकतम 864 रुपया होगी दैनिक मजदूरी। ये एक आर्टिकल निकला है, लेकिन इसको देखना यह होगा कि ये अभी बहन ने जिन्होंने भेजा है कल्पना देवी बहन प्रयागराज से आती, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी डेट का किस अखबार में निकला था। खैर बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। लिखा है 1.5 करोड़ श्रमिकों को होगा इसका फायदा, फैसला 1 अक्टूबर से माना जाएगा प्रभावी, महंगाई दर में बढ़ोतरी को देखते हुए मजदूरी दर में किया गया है बदलाव। साथ ही लिखा है नई दिल्ली से खबर, सभी केंद्रीय कर्मचारी व पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने केंद्रीय विभागों में काम कर रहे गैर सरकारी कर्मचारी इनको भी दीपावली का तोहफा दिया है। श्रम मंत्रालय ने इन कर्मिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है, इसके तहत रोजाना मजदूरी अब कम से कम यहां पर 377 रुपया होगी, यानी जो सबसे कम होगी अकुशल मजदूरों की वो 377 होगी, पहले शायद 303 या 302 या 300 ऐसे ही हुआ करती थी, तो यहां पर अब ये निर्धारित की गई है। वहीं 864 रुपया प्रतिदिन की सबसे अधिक मजदूरी होगी, पिछले कुछ समय के दौरान लगातार बढ़ रही महंगाई को देखते हुए यह बदलाव किया गया है, यह फैसला पहली अक्टूबर से प्रभावी माना जाएगा और इसमें 1.5 करोड़ कर्मियों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार से जुड़े सभी विभाग, रेलवे प्रशासन, खनन, आयल फील्ड्स और सार्वजनिक कंपनियां, इनमें काम करने वाले गैर सरकारी कर्मचारी, इनको इस फैसले का लाभ मिलेगा। केंद्रीय विभागों में अनुबंध और आकस्मिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी, इन सबको मिलेगा। देखो चुनाव जब सर पर आते हैं तो ऐसे ही लुभावने अवसर जहां पर फेंके जाते हैं, और जब चुनाव जाते हैं तो उसके बाद में सिर्फ जो है बाबा जी का घंटा ही यहां पर बजाने के लिए गवर्नमेंट जनता को मिलता है, और पूरा 5 साल जनता यही बेचारी करती है, और जब जब चुनाव आते हैं तो कहीं ये बांट रहे हैं, कभी वो बांट रहे हैं, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप बांट रहे हैं, 5 सालों में गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं बांटा, ठीक अब सब बांट रहे हैं, अभी तक आंगनबाड़ी के लिए कुछ नहीं था, अब यहां पर पता नहीं 2-3 साल क्यों चुपचाप बैठे रहे, अब स्मार्टफोन बांटे हैं, अब उसमें रिचार्ज का पैसे के बारे में कह रहे हैं, लेकिन जो इनको पहले से फोन दिए उनको रिचार्ज का पैसा वो भेज ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे हर जगह यहां पर बस यही चलता है कि हाथी के दांत जैसे हैं, खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। बात करते हैं राजेश कुमार सक्सेना जी की, उन्होंने अपने वहां पर एक बैठक किया है, बैठक से कुछ बहनें हैं जिनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भाई भी हैं, और इनके अलावा कुछ यहां पर जो भी चर्चा हुई है वो भी आप लोगों को बताएंगे, उन्होंने लिख करके क्या भेजा है। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सरकार बधुआ मजदूर समझ रही है। राजेश सक्सेना अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक का आयोजन पंचायत भवन जहां पर उभयती वगैरह गर्मी में हुआ है। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना ने कहा है कि सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बधुआ मजदूर समझ रखा है, जो भी कार्य हो वह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर ही लाद दिया जाता है। बैठक में श्रीमती देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के निधन पर 2 मिनट का शोक भी प्रकट किया गया है। बैठक में संगठन की मजबूती के लिए श्रीमती रानू सिंह जी को जिला मंत्री एवं हरफा बेगम जी को जो है जिला संगठन मंत्री बनाया गया है, बीना देवी जी के लिए ब्लॉक कोषाध्यक्ष बनाया गया, और बैठक को जो है ब्लॉक अध्यक्ष रेखा सिंह जी ने संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की मजबूती के लिए तन मन धन से सक्रिय होना पड़ेगा। बैठक में रोष जो है यहां पर व्यक्त किया गया कि सरकार के प्रतिनिधि आंगनबाड़ी बहनों को 1500 रुपया प्रोत्साहन राशि के पैसे मानदेय में बदल कर जो दिए जाए, अन्यथा सरकार को वोट की चोट से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय बढ़ेगा। इस मौके पर बीना देवी और हरफा बेगम, नसरीन बेगम, अनीता, ऐसे बहुत सी बहनें वहां पर मौजूद रही हैं। अब दोस्तों चलते हैं आगे और आपको बताते हैं एक और खबर यहां पर आई है।
कामनी बहन आती हैं कानपुर देहात से, इन्होंने अपने वहां से डीपीओ के द्वारा जारी एक लेटर भेजा है जो कि 30 अक्टूबर को परसों निकला था। कार्यालय से आदेश है, आइए जान लेते हैं। लिखा हुआ है कि 13 अक्टूबर 2021 के द्वारा स्मार्टफोन आधारित पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थी के फीडिंग एवं सैम मैम बच्चे व गंभीर अल्प वजन वाले बच्चे, इनको पोषण प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का एक आयोजन यहां पर करवाया जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोगों को बता दें, कानपुर देहात में जो वहां की परियोजना है सरवनखेड़ा, यहां पर कार्यशाला शिक्षक का दिनांक एवं यहां पर जो प्रशिक्षण का जो दिनांक है और यहां पर स्थान है, इसमें आपको बता दें 1/11 यानी 1 नवंबर को आज के दिन रखा गया है विकासखंड परिसर यहां पर बीआरसी पर। तो इसमें देख सकते हो यहां पर पर्यवेक्षक और प्रशिक्षक इनका नाम है, सेक्टर के क्रमांक भी दिए दिए गए हैं। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेक्टर वार वहां पर पहुंचेंगी। इसमें लिखा गया है, देखिएगा, श्रीमती विजय लक्ष्मी सेक्टर 1 और सेक्टर 2 से आशा मिश्रा, ऐसे करके यहां पर समय, और ये 1 से लेकर के 6 सेक्टर तक सबको वहां पर बुलाया जाएगा। फिर यहां पर पड़ता है परियोजना अमरोधा, यहां पर आप देख सकते हो संबंधित विकास खंड परिसर में 2 तारीख को यानी कल होगा 2 नवंबर को। अब आपको पता होना चाहिए 2 तारीख को क्या क्या काम गवर्नमेंट ने पहले से दे रखे हैं, अब ऐसे में मीटिंग होगी तो वाले काम फिर आगे पीछे हो जाएंगे। समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेक्टर वार यहां पर भी जाएंगी, आप यहां पर देख सकते हो। तो आगे आपको बता दें, ये पोषण ट्रैकर पर जो भी फीडिंग वीडिंग है इन सब चीज़ों को लेकर के सैम मैम वाले जो बच्चे हैं उनका जो है यहाँ पर जो पोषण प्रबंधन है उसी चीज़ को लेकर के प्रशिक्षण करवाया जाएगा कानपुर में। बात करते हैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर में, मीरा शुक्ला बहन आती हैं, उन्होंने डीपीओ के द्वारा जारी 30 अक्टूबर का परसों वाला एक लेटर भेजा है। इसमें 11 से 14 वर्ष तक की जो स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाएं हैं उनकी सूचना देखो मांगी गई है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही आप लोगों को बताया था, निदेशालय से आदेश है पूरे उत्तर प्रदेश में किशोरियों की जो सूचना है ये निर्धारित प्रारूप पर मांगी जाएगी, और मैंने पहले भी ये जो है निर्धारित प्रारूप भी आप लोगों को बता दिया था। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे, इसमें ये देख सकते हो जन्मक्रम संख्या का कालम, जनपद के नाम का, परियोजना के नाम का, आंगनबाड़ी केंद्र के नाम का, 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं के नाम का, जन्म तिथि, माता का और पिता का जो भी है रिलेटिव में जिनका नाम वो नाम डालो, मोबाइल नंबर और लाभार्थी का आधार नंबर, ये सब लगेगा। इस तरह से यहां पर एक लेटर जारी हुआ है। इनके अलावा यहां पर रीता बहन कानपुर देहात से आती है, इन्होंने अपनी समस्या को भेजा है। सुधांशु भैया नमस्ते, मैं पुष्पा सचान ब्लॉक वगैरह अमरोधा जिला कानपुर देहात से, हमारे ब्लॉक में दाल तेल 80-80 पैकेट आता है जबकि समूह के द्वारा हम लोगों को 40-40 पैकेट दिया जाता है जो कि हम लोग 20-25 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो मिलकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत डाली जिससे डीपीओ सीडीपीओ सुपरवाइजर सभी ने मिलकर जो यहां पर शिकायत का निस्तारण मिलकर कर लिया। हम लोगों की समस्या वही है, आप हम लोगों को जो यहां पर सलाह दें कि अब हम लोग क्या करें। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि अगर आपके लाभार्थी जितने हैं उतने को अगर मिल नहीं रहा है, आपके पास सबूत होगा कि कागजों पर जो आपके पूरे लाभार्थी हैं उनको जो आपने राशन जो भी घी दूध जो रिसीव किया है वो उसका पर्ची अलग होगा, उसके बाद में जिनको आपने बांटा है उनका भी अलग होगा। अब उन्हीं सब चीजों को आप ले जाइए डीएम कार्यालय और सीधा उनको प्रेषित करिए उनकी फोटोकॉपी लेकर के, और कहिए इतने इतने मेरे लाभार्थी हैं और ऊपर से इतना का ही जो है यहां पर हमको रिसीव करवाया जा रहा है। कहने पर भी कुछ नहीं होता है, मैंने शिकायत भी की, फर्जी तरीके से निस्तारण अधिकारियों ने विभाग के कर लिया है, तो वहां पर वो खुद ही देखेंगे और उसमें पता चल जाएगा कि अगर लाभार्थी इतने हैं तो उतनों को ही पोषाहार मिलना चाहिए और क्यों नहीं मिल रहा है, लाभार्थी वंचित क्यों है। चाहो तो लाभार्थी भी आप अपने इकट्ठा कर लो जिनको नहीं मिल पाता, जो वंचित रह जाते हैं, और उनको भी साथ में ले जाओ तो कार्रवाई जल्दी होगी, क्योंकि एक अकेला कोई जाएगा तो अधिकारी सब एक जैसे होते हैं कि थाली के चट्टे बट्टे कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि पैसा इधर से उधर सब कहीं जो है भ्रष्टाचारी वाला वो पहुंचता रहता है, तो यहां पर खून में हाथ जो है सबके रंगे रहते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जो है लाभार्थियों को सबसे बड़ा एक हथियार बनाओ, लाभार्थी को आगे करो, उनको ले जाकर के आगे करो, क्योंकि वह उनको नहीं मिलेगा, वो अगर हल्ला बोलेंगे तो फिर यहां पर सिस्टम भी पूरा हिलेगा। तो इन बातों पर आपको भी थोड़ा फोकस करना चाहिए, बाकी सबूत आपके पास सारे हैं, जिनको आपने बांटा उनका कुछ अलग होगा, फर्जी तरीके से आपने अगर बांट दिया है, जिनको नहीं ऊपर से आपको रिसीव कराया गया उनको भी आपने अंगूठे छाप छाप करके सब बड़ा कर दिया, तो फिर यह सारी गलती आपकी मानी जाएगी और आपको अपने घर से भी भुगतना पड़ेगा। सोच समझ करके आप चीजों को करें, तो हमारी सलाह यही रहती है कि करो, साफ सुथरा करो, जितना आए उतनों में बांटो, और ताकि सबूत भी तो रहे कि लाभार्थी इतने थे, वो विभाग ने दिया ही इतनों को है, मैंने इतनों को बांट दिया, बाकी इस तरह से आप लोगों को काम करना चाहिए। आगे देखिएगा, यहां पर एक बहन है, सुधांशु भैया जी नमस्ते, हम जो है ग्राम सैदनगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूं, हमारे ग्राम में इसरद समूह है जो कि उन्होंने हमको कोटे से चावल दिए हैं 46 किलो 400 ग्राम, और यहां पर उन्होंने कहा कि एक बोरा वह बोरा फट गया था जिस पर बोरे को हमने दूसरे के हाथों से उठा
उठवाया था और कोटे से हमारे केंद्र पर जो यहाँ पर जे लोग रखने में लिए नहीं आई थी, भैया जी हमको 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कुल 30 पैकेट मिले हैं दलिया के और चना के, दाल के 6 माह से 3 वर्ष के कुल 37 पैकेट मिले हैं दाल के और दलिया के, रिफाइंड के गर्भवती धात्री के कुल 16 पैकेट दिए गए हैं दलिया के, रिफाइंड के तेल के, यही सब उन्होंने लिखा हुआ है। तो उनका यह कहना है कि यहाँ पर बच्चे इनके भी ज्यादा होंगे और इनको भी कम मिल रहा है तो झंझट इनको होता है, इसलिए वो चाहती हैं कि यहाँ पर बच्चों के अभिभावकों के खातों में सरकार पैसा भेजे तो वो बहुत बढ़िया बात रहेगी, समूह से कोई बातें वगैरह भी नहीं होंगी और झगड़ा भी नहीं होगा, सामान वितरण करने का झंझट भी नहीं होगा। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग में भी इस पर जोर दिया गया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मोटे मोटे अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं खाने के लिए पेट बड़ा निकाल करके, उनके पेट में फिर कैसे जाएगा अगर पैसा डायरेक्ट जो है लाभार्थी के अकाउंट में जाएगा, तो ये चीजें और जाने वालों का वहां से भी चला जाता है, जो भी पैसे भेजने होते हैं वहां पर भी ये घपलेबाजी चलती है। आप लोग मानदेय में ही ले लो, आप लोग तो मेहनत करते हो, कर्मचारी हो, पढ़े लिखे हो, फिर भी जो है काफी जगह पैसा जो है विभाग वाले डकार जाते हैं, किसी का किसी महीने का बकाया, किसी का किसी महीने का बकाया, ऐसे पता नहीं क्यों पैसे ही नहीं लगाए जाते हैं, और लगाए भी जाते हैं तो वो सक्सेस नहीं होते हैं, पता नहीं क्या ये माजरा चलता रहता है, लोग अपने ही पैसे से वंचित हो जाते हैं। दीपमाला बदायूं से आती है, उन्होंने कहा है कि सुधांशु भैया जी इसे जरूर दिखाइएगा, आंगनबाड़ी दीपमाला ग्राम पिपरौला पुख्ता ब्लॉक इनका उझानी जिला बदायूं, महिलाएं जो है पर राशन प्राप्त करने के बाद भी समूह की महिला विनीता देवी व उनकी बेटी के कहने पर फर्जी शिकायत जिले पर और मुख्यमंत्री के पास कर रही हैं, मेरे पास वीडियो ऑडियो व फोटो सभी प्रकार के सबूत भी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, अब भी कोई रास्ता नहीं है। तो भाई मुख्यमंत्री के पास जो है वो शिकायत अगर कर रहे हैं, आपकी सुनवाई कहां नहीं हो रही, ये नहीं समझ में आ रहा, आपने शिकायत ही कहां की, आप अपने विभाग से शिकायत करेंगी तो कुछ भी निस्तारण नहीं होगा, आप इन जब आपके पास सबूत है वो राशन ले जा रहे हैं तो फिर आपको डर कैसा, आप चुपचाप घर में बैठो, चाहे मुख्यमंत्री के पास करें चाहे प्रधानमंत्री के पास करें, जब भी कोई चेक करने के लिए आया तो आपके पास जब सबूत रखें तो उनको भेजिए। और उसके अलावा मैंने 500 बार कई बहनों को कहा, उनके साथ भी ऐसे ही केस आए हैं, मैंने पहले भी कहा कि जब सबूत है इनको ले जाकर के डीएम कार्यालय में दीजिए जो भी झूठी शिकायत कर रहा है, और उनको बताइए पूरे को एप्लीकेशन लिख करके दीजिए कि यहां पर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, राशन वगैरह वितरण के मेरे पास सारे सबूत हैं, फोटो भी हर माह की हैं, और फिर भी जो है हमारे पास ऐसा ये झूठी शिकायत की जा रही है, कृपया ऐसे लोगों को जो थोड़ा दंडित करें, तो यहां पर वो भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगी, अपने विभाग से उम्मीद लगा करके बैठेंगी, जिनका खुद ही भ्रष्टाचारी में बड़ा सा पेट निकला है। कुंदन जी हैं सहरसा से, उन्होंने अपने वहां से एक ये मैटर भेजा जिले में, आज 2 नवंबर को भी चलाया जाएगा महाअभियान, तो ये एक महाअभियान है, 270 टीमें यहां पर तैयार की जा रही है कोविड-19 टीकाकरण को लेकर के, तो ये वाला मैटर यहां पर भी चलने वाला है। फिलहाल के लिए आगे बता दें आपको, ये है कैलाशपति जो कि मऊ जिले से आती हैं, इनके अलावा ये है पूनम तिवारी उन्नाव से आती हैं, और इनके अलावा ये हैं दुर्गावती वर्मा सुल्तानपुर से आती हैं, ये हैं कुसुम पांडे गाजीपुर से आती हैं, और इनके वहां से कुछ तस्वीरें आई थी, ये निर्जा पटेल बहन नेटावा से आती हैं, इनके अलावा ये हैं कुसुम पांडे गाजीपुर से आती हैं, और ये बहन है स्नेहलता जो कि औरैया जिले से आती हैं, और ये हैं स्नेहलता जो औरैया से आती हैं, इनके पास स्मार्टफोन मिले हैं, रुक्मेश्वरी बहन अयोध्या से आती हैं, साथ ही एक बहन है ममता जो कि संभल जिले से आती है, और लास्ट में ये हैं सुधा बहन जो कि सिद्धार्थनगर से आती हैं। तो आज सुबह का वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं।